नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा ये जो हमारी विंडो होती है, और इस विंडो का इस्तेमाल कितने लोग कर रहे होते हैं ये अक्सर हमें पता होता है, लेकिन तकनीकी रूप से अगर देखा जाए, आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए, आपको ऐसा लगता है कि कभी आपकी विंडो हैक हो गई है, या आपका सिस्टम जो आप काम कर रहे हैं इसको किसी और भी कोई इसको ऑपरेट कर रहा है या चला रहा है। ऐसे में इसको कैसे पता किया जाए? एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है दोस्तों। आपको जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है CMD, आप वहाँ जाइए, आप विंडो R लिखिए, और यहाँ पर आप जैसे ही CMD लिखेंगे, एंटर करेंगे, ये दोस्तों जो है देखिए आ गया है, मेरे पास एक ऑलरेडी नीचे ओपन है, मैं वहीं में बता देता हूँ, ये देखिए। और दोस्तों, आपको ये एक छोटी सी कमांड है, ये लिख देना है, आप ये देखिए NETPLWIZ। आप जैसे ही ये लिखकर एंटर करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, और ये विंडो बता रही है यूज़र अकाउंट। ये यूजर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए विंडो 10 एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि इस सिस्टम को जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है, एक ही व्यक्ति इसको चला रहा है, वो हम हैं। और यहाँ इस तरीके से, अगर दोस्तों मान लीजिए कि आपका शक सही होता और आपको जैसा आपने सोचा था कि क्या मेरी विंडो एक से ज़्यादा लोग चला रहे हैं जो कि आपकी जानकारी में नहीं है, ऐसे में यहाँ पर वह नाम भी आपको दिख रहे होते और वह ग्रुप भी आपको दिख रहा होता कि इसको कौन चला रहा है कौन नहीं। आप पर्टिकुलर इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन तरीका है कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से पता करने का कि आपकी जो विंडोज़ है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका कोई और तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो कंप्यूटर चलाते हैं, जो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं व्यावसायिक तौर पर भी, या कैसे भी जैसे हम कह सकते हैं, आप उन्हें शेयर कीजिए ये वीडियो, कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।